हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी दीदी के स्टाइल का सावजी चिकन। तो आइए मेरे साथ। ये चिकन को एक बाउल में रखा है, सॉरी गंज में रखा हुआ है, जिसे अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसे मैरिनेट करने के लिए रखा है, जिसमें डाला गया है दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और थोड़ा सा नमक। ये डाल के इसे मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए रखा हुआ है, जिससे सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है और उसमें सारे मसाले अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। सो इसे देखिए, ये इस तरीके के ऐसे मैरिनेट करके रखा हुआ है। के लिए प्याज भूंज के रखा हुआ है और साथ ही टमाटर अभी भूंजा जा रहा है। इस तरीके से भूंजना है, आराम से, ज़्यादा जले भी ना। और ये देखिए, जो सांभर की डंडी होती है उसे भी बचा के रखे ताकि वो पेस्ट में अपने काम आ जाए। ये देखिए, अभी इसमें जो डला हुआ है वो धनिया, खसखस और जीरा। अब इसमें लहसुन भी डला हुआ है और इसके साथ में अदरक भी डला हुआ है। इसे अच्छे तरीके से भूंजेंगे। फिर इसके बाद में इसमें खोबरा, वैसे तो टुकड़ा डाला जाता है, बट ये खोबरा किस था तो खोबरा किस डाला हुआ है। और अब इसे अच्छी तरीके से भूंजा जा रहा है। उसे प्रॉपर तरीके से सॉटे करना है, और मतलब ये थोड़ा लाल भी ना हो और कच्चा भी ना रहे, इस तरीके से भूंजना है। फिर इसे पेस्ट बनाना है। तो जो देखिए, जो संभार की डंडी रखी हुई थी उसे भी मिक्सर में डाला जा रहा है, और टमाटर जो भूंजा हुआ था और प्याज जो भूंजा हुआ था वो भी इस मिक्सर में डाला हुआ है। तो अब देखिए, ये इस तरीके का थिक पेस्ट बना हुआ है अच्छे तरीके से। सो अब आइए, कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम हो रहा है, हार्डली एक चम्मच तेल है ये, मच मतलब छोटा वाला एक चम्मच तेल है। अब इसमें देखिए तेज़पत्ता डाला हुआ है। तेज़पत्ता डालने के बाद जो चिकन मैरिनेट करने रखा हुआ था वो चिकन को इसमें डाल रहे हैं, और ये चिकन जब पूरा इसमें डाल देंगे तो इसे अच्छी तरीके से थोड़े टाइम तक के लिए ढक के पकाएंगे ताकि ये हल्का सा भूंजा जाए और हल्का सा पक जाए, तो इसे फिर बाद में पकाने में इजी रहेगा। तो अभी देखिए, सारा चिकन कढ़ाई में डाला जा रहा है और फिर इसे अच्छी तरीके से ढक के पकाया जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो देखिए, अब ये चिकन दीदी इसमें पूरा कढ़ाई में डाले जा रही है, और ये डालने के बाद इसे ना ढक दिया जाएगा ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये पकने के बाद ना कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखिए, इसमें ना ऑयल छूट जाता है और ये अच्छी तरीके से भूंज भी जाता है, सॉटे हो जाता है और पक जाता है। अब ये पक चुका है अच्छे तरीके से, तो इसे निकाला गया है, और वही सेम कढ़ाई में जो ऑयल बच जाता है ना चिकन का, तो उसी में दो बड़े चम्मच ऑयल डाल के सेम उसमें जो मसाला जो पीसा गया था थिक मसाला, वो पूरा अभी इसमें डाल रहे हैं। और इसे डालने के बाद भी इसे भी अच्छे तरीके से पकाया जाएगा, तब तक पकाया जाए जब तक इसका जो ऑयल है वो मसाले के ऊपर ना आ जाए। इसे अच्छे तरीके से भूंजेगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा कच्चा कच्चा सा अगर लगेगा तो ये बनना मतलब खाने में फिर इसका टेस्ट नहीं आएगा। सो अब देखिए, इसमें जो मसाला डल रहा है वो हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा, खड़ा मसाला और गरम मसाला, और स्वाद के अनुसार नमक है। तो इन सब को अच्छी तरीके से फिर मिला दिया गया था, और मिलाने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। और फिर ये पूरा मिक्स करने के बाद देखिएगा, इसमें ना हल्का हल्का सा, पता है, ऊपर से ना ऑयल का लेयर आने लग जाता है। तो जैसे अगर वो लेयर आने लग जाए ना अपने मसाले में, तो जो तरी रहती है ना बहुत अच्छी बनती है और अपनी सब्जी थोड़ी स्पाइसी बनती है। तो देखिए, अभी जो मसाला है इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूंजा जा रहा है, और ये भूंजने के बाद कुछ मसाला इस तरीके का अपना रेडी हो जाएगा। गाइज, ये अभी दिखने में तो कुछ अलग दिख रहा था, लेकिन बनने के बाद और खाने के बाद बहुत टेस्टी लग रहा था। सो देखिए, अभी इसका जो ऑयल दिख रहा होगा आपको, इससे तरी बहुत अच्छी आती है अपनी सब्जी में, ये लास्ट में आपको देखने मिलेगा। सो देखिए, अब जो सब्जी थी वो इसे मसाले में मिक्स किया जा रहा है। इसे इस तरीके से मिक्स करना है कि जो मसाला है पूरा वो पूरे अपने चिकन में लग जाए, ताकि वो पूरा एब्जॉर्ब कर ले मसाला, तो उसका फ्लेवर अच्छा आएगा।
फिर आपको जिस तरीके जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी आप उस सॉरी उसमें पानी डाल दीजिए और इसे अच्छी तरीके से पकने दीजिए। पकने के बाद ये कुछ उबाल आ जाएगा इसमें, तो ये उबाल आने के बाद में अच्छी तरीके से देखो इसका जो ऊपर में लेयर दिख रही है वो तरी है, वो कितने अच्छे तरीके से आई हुई है। सो अभी इसमें सांभर डाला गया है, दीदी ने सांभर डाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और आप भी इसे ट्राई करिएगा और कैसा लगा बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट्स में। बाय बाय।